अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे कराची हलवा या बॉम्बे हलवा भी कहते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, देखने में भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कराची हलवा बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 कप कॉर्नफ्लावर, आप किसी कटोरी से भी ले सकते हैं। 3 कप पानी ऐड करेंगे, पूरा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, आधा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे, और बाकी का पानी भी ऐड कर देंगे। देख, कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे साइड में रखेंगे। हम कोई भी एक ट्रे या थाली लेंगे, उस पर घी लगा के तैयार करके रख लेंगे, जिससे बाद में हमें परेशानी ना हो। बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2.5 कप चीनी, 2 कप और 1/2 कप, उसका आधा पानी ऐड करेंगे, 1 कप और 1/4 कप, जितनी चीनी लेंगे उसका आधा पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसे पका लेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे चीनी नीचे नहीं लगेगी। कभी कभी ये होता है ना, चीनी नीचे बैठ जाती है और जल जाती है। हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, चीनी के घुलने तक ही पकाएंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, एक तार की या दो तार की। जैसे चीनी घुल जाएगी तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है, फ्लेम को लो करेंगे, कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है इसमें ऐड कर देंगे। इसमें एक बार चला लेंगे, कॉर्नफ्लावर ना नीचे बैठ जाता है, इसलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, एक हाथ से ऐड करेंगे, दूसरे हाथ से चलाते रहेंगे। ऐसा करने से कॉर्नफ्लावर नीचे बैठेगा नहीं और जलेगा भी नहीं, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 5 से 6 मिनट में ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, इसमें बॉईल भी आ जाएगा। मैंने 1/2 कप घी लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अभी मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, बाकी का हम बाद में ऐड करेंगे। कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 2 टेबल स्पून और घी ऐड करेंगे, इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा घी और ऐड कर देंगे। घी अच्छे से मिक्स हो गया है, 2 टेबल स्पून और ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप घी है, हमें पूरा इसमें ऐड करना है। ये बहुत ही टेस्टी हलवा तैयार होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अभी तो पूरा पका भी नहीं है, देखिए माशाल्लाह देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हलवे को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसमें ऐड करेंगे हम फूड कलर, कोई भी एडेबल फूड कलर आप ऐड कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। मैं केसर फूड कलर ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे। हलवा ऑलमोस्ट पक गया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है, 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट में हलवा तैयार हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, बहुत जल्दी बन जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा हमारा हलवा तैयार हो रहा है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मगज, मेलन सीड्स, मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून काजू ऐड करेंगे, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो ऐड कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गए, इसे हम निकाल लेंगे। जो भी प्लेट या ट्रे हमने पहले से तैयार करके रखी है इसमें निकाल लेंगे। मैंने हलवे को ट्रे में निकाल लिया है, इसे हम लेवल करेंगे। आप इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं या ऐसे भी सेट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कटे हुए बादाम लगाए हैं, इसे भी हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाएंगे, कट करते हुए निकलेंगे नहीं।
हम 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही काउंटर पे छोड़ देंगे, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए 1 घंटा हो गया है, ये अच्छे से सेट हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, इसे उल्टा करेंगे, बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। बटर पेपर हटाएंगे, कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद है आप उसी शेप में कट कर लें। ये बहुत ही टेस्टी हलवा तैयार होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी एक कराची हलवे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।